वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। मैं आज आपके लिए मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कई प्रकार से मोदक बनाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे सूजी से मोदक बनाए हुए हैं, यानी रवा। तो यहाँ पे टूटी फ्रूटी और रवा से मोदक बने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून घी ले लिया है। फ्लेम थोड़ा मीडियम ही रखेंगे। उसके बाद मैंने 1 कप यहाँ पे सूजी डाल दिया है। सूजी को कुछ लोग रवा भी बोलते हैं। तो हमें इसको बिल्कुल भूनना नहीं है, आप इसका कलर चेंज मत होने दीजिए। फ्लेम बिल्कुल लो रखिए और इसको अच्छे से पका लीजिए, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका कच्चापन बस निकल जाए। मैंने अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा कप दूध ऐड किया है। तो देखिए जिस हिसाब से आपका जो सूजी है उसी हिसाब से आपको दूध ऐड करना है, जिससे वो पूरी तरह पक जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है दूध। अभी हम उसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ऐड की है। आप यहाँ पे जो है साबुत चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको मिला दूँगी अच्छे से। अब मैं उसमें रवा ऐड कर दूँगी। जो हमने रवा फ्राई किया था वो हम ऐड कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इसमें कोई लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। तो देखिए धीरे धीरे ये एक साथ पूरा चिपक जाएगा, पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो देखिए ये एक साथ बिल्कुल आ गया है और ये पक गया है लगभग। तो मैं इसको थोड़ी देर और चलाऊंगी। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसरिया रंग यूज़ किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये पूरे फिलिंग में अच्छे से मिक्स हो जाए, कलरफुल हो जाए। इससे क्या है, मोदक देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप यहाँ पे केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये बन गया है। अब मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये मैंने फिलिंग बना ली है। अब मोदक मोल्ड में फिल कर दूंगी। तो देखिए मैं इसमें बीच में कुछ फिलिंग नहीं रखने वाली हूँ, जस्ट पूरा ऐसे ही फिल कर देना है इसको मोदक मोल्ड में। तो दबा दबा के आप इसको फिल कर दीजिए अच्छे से, जिससे इसका शेप बहुत अच्छा आएगा और जो एक्सेस है वो हम निकाल देंगे। तो देखिए अभी ये हम डीमोल्ड करेंगे। ये बहुत ही अच्छा बन गया है, देखिए कितना सुंदर बनेगा। ये हमारा एक मोदक बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से हम बाकी मोदक भी बना लेंगे। आपको जस्ट मोल्ड में फिलिंग भरना है और थोड़ा सा दबा दबा के भर देना है, जिससे इसका शेप बहुत अच्छे से आए और जो इसका एक्सेस फिलिंग है वो हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। ऐसी तरीके से हमने बाकी जो है मोदक बना लिए हैं। तो देखिए ये मोदक बन के तैयार हो गए हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बना सकें। और कमेंट कीजिएगा कि ये रेसिपी आप